बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद बिलाल फ्रॉम सुपीरियर कॉलेज डी जी खान। टुडे आई एम हेयर टू डिलीवर अ लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑन टॉपिक कंप्यूटर। बेटा, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। आईसीएस के स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि आईसीएस में जो वो कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर है क्या, पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्यूटर की डेफिनेशन है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेस ऑन दैट डेटा एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इट इज़ यूज्ड टू एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट। कंप्यूटर सिस्टम बेटा इनपुट जो ले रहा है वो एज अ डाटा के तौर पर ले रहा है। एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट, डाटा को एज इनपुट के तौर पर वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम का जो प्रोसेसर है वो इस पर प्रोसेसिंग करेगा एंड प्रोसेस ऑन दैट डाटा। प्रोसेसर क्या करेगा, इस डाटा पर प्रोसेसिंग करेगा एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। और यूजर को कंप्यूटर सिस्टम बेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एज आउटपुट के तौर पर। दोबारा इस डेफिनेशन को आप सुन लें, अपनी जो अटेंशन है वो आप लेक्चर की तरफ रखें कि ये जो डेफिनेशन पढ़ाई जा रही है आप इसको समझें कि ये है क्या। इट इज़ यूज टू एक्सेप्ट डेटा। कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो काम हो रहा है, पहला जो काम है वो ये है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, डेटा को एज इनपुट के तौर पर एक्सेप्ट कर रहा है एंड प्रोसेस ऑन दैट डेटा। जो डेटा एज इनपुट के तौर पर कंप्यूटर में एंटर किया गया, कंप्यूटर सिस्टम उस डेटा पर क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है एंड प्रोसेस ऑन दैट डेटा। उस डेटा पर क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। और यूजर को जो आउटपुट प्रोवाइड की जा रही है वो इंफॉर्मेशन है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको डाटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस आपको बता दिया था कि क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। तो दोबारा चलते हैं, एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज आउटपुट, और यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है एज आउटपुट के तौर पर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा प्राइमरी कंपोनेंट। हमारा जो बेसिक टॉपिक है आज के लेक्चर का वो ये है कि कंप्यूटर सिस्टम के बुनियादी अज्जा क्या हैं। प्राइमरी मतलब बुनियादी, इसको हम इब्तदाई भी कहते हैं, एंड कंपोनेंट मींस अज्जा। तो कौन कौन से जो बुनियादी अज्जा हैं जिन पर कंप्यूटर सिस्टम क्या कर रहा है, कॉन्सिस्ट कर रहा है, जिसको हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करके एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है बेटा, इनपुट डिवाइसेस। तो आपको तो पहले ये समझ में आना चाहिए कि इनपुट है क्या, उसके बाद हम चलते हैं इनपुट डिवाइसेस की तरफ। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, एनीथिंग में बेटा हर चीज आ सकती है। डेटा मींस डेटा कंसिस्ट कर रहा होगा टेक्स्ट पर, डेटा कंसिस्ट कर रहा होगा इमेजेस पर, डेटा कंसिस्ट कर रहा होगा वीडियोस पर, डेटा कंसिस्ट कर रहा होगा ऑडियोज फाइल्स पर। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा, जो एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। तो उसको हम क्या कहेंगे, इनपुट है। हर वो चीज जो कंप्यूटर को दी जाए वो इनपुट है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, तो इनपुट डिवाइसेस की तरफ चलते हैं। द डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज इनपुट डिवाइसेस। बेटा हमारे जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली चार हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो इनपुट डिवाइसेस है, सेकंड जो कंपोनेंट है वो प्रोसेसर है, थर्ड आउटपुट डिवाइसेस है एंड द लास्ट वन स्टोरेज डिवाइसेस है। हम डिस्कस कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस को। तो इनपुट डिवाइसेस को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि इनपुट क्या है। इनपुट हम कहते हैं एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। हर वो चीज जो कंप्यूटर को दी जाए, जो कंप्यूटर में एंटर की जाए वो इनपुट है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होंगी, द डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज इनपुट डिवाइसेस। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। कौन से डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जिनके जरिए हम कंप्यूटर में डाटा एंटर कर सकें। द डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, ऐसी डिवाइसेस जिनके जरिए यूजर क्या करे, कंप्यूटर में डाटा एंटर कर सके, तो उन डिवाइसेस को हम कहेंगे कि ये क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, इनकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं।
एग्जाम्पल्स में बेटा फर्स्ट वन हमारे पास है कीबोर्ड। कीबोर्ड बेटा ये वो इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम अल्फाबेट्स, हम सिंबल्स, हम डिजिट्स वगैरह क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। सेकेंड वन है बेटा माउस। माउस की मदद से यूजर अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में क्या कर सकता है, कंप्यूटर को दे सकता है, इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। और जो लास्ट वन है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की मदद से बेटा यूजर क्या करता है, अपनी ऑडियो, अपनी वॉइस क्या करता है कंप्यूटर में एंटर करता है। सेकेंड कंपोनेंट की तरफ आते हैं। सेकेंड कंपोनेंट है बेटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए प्रोसेसिंग लव्स, इसका मतलब क्या है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में बेटा ब्रेन हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस है, जो तमाम हमारी जो प्रोसेसिंग है कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। ब्रेन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई भी हम काम करते हैं तो हमें जो हमारी जो प्रोसेसिंग है इन बिहाइंड किसके जरिए हो रही है, ब्रेन की मदद से हो रही है। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या है, प्रोसेसर इज यूज्ड टू प्रोसेस डेटा। प्रोसेसर क्या कर रहा है, डेटा पर प्रोसेस कर रहा है। कोई भी प्रोसेस हो सकता है, कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो तमाम हम प्रोसेसर की मदद से कर रहे हैं। और अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन रीड करनी है, किसी इंस्ट्रक्शन को हमने एग्जीक्यूट करना है, तो वो भी प्रोसेसर क्या करेगा, उस पर काम करेगा। इट इज आल्सो नोन एज सीपीयू। इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, सीपीयू। सीपीयू बेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में ये वो वाहिद सेंट्रल डिवाइस है जिसकी मदद से पूरा सिस्टम को जो ऑपरेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये किस पर मुश्तमिल है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर मुश्तमिल है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर मुश्तमिल है। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तमाम सिस्टम, ऑल कंप्यूटर्स, तमाम कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उनमें मस्ट है कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए। तो बेटा सपोज करें मैं कहता हूं, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी विदाउट ब्रेन काम नहीं कर सकती, इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम भी विदाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम नहीं कर सकता। मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम अपने नेक्स्ट जो थर्ड वन हमारा कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, वो है बेटा आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आउटपुट क्या है, ठीक है। आउटपुट बेटा एनीथिंग दैट इज दैट द यूजर कैन रिसीव फ्रॉम कंप्यूटर। हर वो चीज, हर वो डाटा, हर वो इंफॉर्मेशन जो यूजर क्या कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम से ले रहा है, वो क्या है, आउटपुट है। आउटपुट डिवाइसेस बेटा वो आलात, वो डिवाइसेस जिनकी मदद से यूजर कंप्यूटर से डाटा ले रहा है। द डिवाइसेस दैट इज यूज टू गेट डाटा फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से यूजर क्या कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम से डाटा को एक्सेप्ट कर रहा है, डाटा को ले रहा है, गेट कर रहा है। तो यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या है कि ऐसी डिवाइसेस जो कि इस्तेमाल हों रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए। रिजल्ट को डिस्प्ले, सपोज करें हमारे पास डाटा है, कंप्यूटर सिस्टम उस पर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो इंफॉर्मेशन हम यूजर को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो डिस्प्ले कर रहे हैं। यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस को यूज करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस में बेटा हमारी जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल में फर्स्ट वन जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, आउटपुट डिवाइसेस आ रही है, वो है मॉनिटर। मॉनिटर की मदद से बेटा हम टेक्स्ट, हम इमेजेस, हम वीडियोस, हम इसको क्या करते हैं, स्क्रीन पर, डिस्प्ले पर हम देखते हैं। ये मॉनिटर की मदद से हम क्या करते हैं, वीडियोस वगैरह स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट वन है बेटा हमारे पास स्पीकर। स्पीकर की मदद से यूजर वॉइस को कंप्यूटर सिस्टम से एक्सेप्ट करता है, वॉइस को सुनता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन ये है बेटा प्रिंटर। हमारी सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर सिस्टम के जरिए हमें प्रिंटर की मदद से हमें यूजर को क्या होती है, हार्ड कॉपी में मौसूल होती है। तो एज अ प्रिंटर भी क्या कर रहा है, एज आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर इस सिस्टम में काम कर रहा है। प्राइमरी कंपोनेंट में बेटा लास्ट वन जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस बेटा दो टाइप्स हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। फर्स्ट है टेम्परेरी तौर पर डाटा स्टोर किया जाए, एंड सेकेंड वन इज परमानेंटली तौर पर हम क्या करें, डाटा को स्टोर करें। ह्यूमन बॉडी भी बेटा, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं
तो ह्यूमन बॉडी में हमारे पास क्या है, एक हमारा जो माइंड है वो कुछ वाकयात, कुछ इवेंट्स को एज अ टेम्परेरी बेसिस पर क्या करता है, स्टोर करता है, और कुछ इवेंट्स को वो एज अ परमानेंट बेसिस पर क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के ब्रेन की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम भी इन दो रूल्स पर काम करता है। फर्स्ट वन है कि सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि स्टोरेज क्या है। किसी भी चीज़ को अगर हम इन फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो वो स्टोरेज है। तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, द डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा फॉर परमानेंटली और टेम्परेरी बेसिस। किन दो बेसिस पर स्टोर किया जाएगा डेटा को, या तो परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर डेटा को स्टोर किया जाएगा, या टेम्परेरी आर्जी तौर पर कुछ वक्त के लिए, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हम क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे। द डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा फॉर परमानेंट और टेम्परेरी बेसिस, ऐसी डिवाइसेस, ऐसे आलात दैट इज यूज्ड, जो कि इस्तेमाल हों टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए, फॉर परमानेंट और टेम्परेरी बेसिस, मुस्तकिल तौर पर या आर्जी तौर पर हम क्या करें, डेटा को स्टोर करें, इज नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस। तो ऐसे डिवाइसेस को हम कहेंगे कि ये क्या हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में बेटा हमारे पास दो स्टोरेज डिवाइसेस आ रही हैं, एक तो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और एक है परमानेंटली स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, सॉरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बेटा ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनमें डेटा परमानेंट बेसिस पर क्या हो, स्टोर हो। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में डेटा मुस्तकिल तौर पर इसमें क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है। और प्राइमरी जो मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी में बेटा डेटा आर्जी तौर पर कुछ वक्त के लिए, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए डेटा इसमें क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है। एग्जाम्पल्स में बेटा हमारे पास हार्ड डिस्क है, टेप डिस्क है, एंड यूएसबी फ्लैशेज हैं। तो ये तमाम जो ड्राइव, जो डिवाइसेस मैंने आपको बताई हैं, इनमें डेटा परमानेंट बेसिस पर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब हम अपने इस पूरे लेक्चर को दोबारा रिव्यू कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके के साथ इस लेक्चर को समझ सकें कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। तो बेटा मैं अपने लेक्चर को रिव्यू कर रहा हूँ। कंप्यूटर, सबसे पहले हमने कंप्यूटर की डेफिनेशंस को क्या किया, वाइंड अप किया, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम डेटा को एक्सेप्ट करते हैं और उस पर प्रोसेसिंग करते हैं और यूज़र को रिजल्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया बेटा प्राइमरी कंपोनेंट्स को। प्राइमरी कंपोनेंट्स हमारे पास बेसिकली चार हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन है इनपुट डिवाइसेस, सेकंड वन है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, थर्ड वन है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस, सॉरी थर्ड वन हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस, एंड द लास्ट वन हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस है। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस की तरफ आते हैं बेटा। ऐसी डिवाइसेस, द डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, ऐसी डिवाइसेस जिसमें डाटा, एंड द डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से डाटा कंप्यूटर सिस्टम में एंटर किया जाए, तो उन डिवाइसेस को, उन आलात को हम कहेंगे कि ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। तो इनपुट डिवाइसेस की जो एग्जांपल्स हैं, कीबोर्ड है, माउस है, एंड माइक्रोफोन, माइक्रोफोन है। तो कीबोर्ड बेटा हमारे पास ये वो इनपुट डिवाइस है जिसमें डाटा, जिसकी मदद से हम डाटा कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं। कौन सा डाटा एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से, अल्फाबेटिकली डाटा एंटर कर सकते हैं, सिंबल्स डाटा एंटर कर सकते हैं, एंड डिजिट्स फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, डाटा को एंटर कर सकते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस बेटा ऐसी डिवाइस जो कि यूज़र के दिए गए डाटा पर क्या की जाए, उस पर प्रोसेसिंग की जाए, तो उसको हम कहेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसर इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। प्रोसेसर बेटा दिए गए डाटा पर प्रोसेस करता है। इट इज आल्सो नोन एज सीपीयू। इसको हम सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर मुश्तमिल है। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तमाम कंप्यूटर्स में मस्ट है कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लाजमी होना चाहिए। आउटपुट डिवाइसेस बेटा ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से डाटा हासिल कर सकें। द डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू गेट डाटा फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। हम कंप्यूटर सिस्टम से डाटा को गेट कर लें। तो कौन सी डिवाइसेस हैं हमारे पास, मॉनिटर है, स्पीकर है, एंड प्रिंटर है। मॉनिटर की मदद से बेटा हम डिस्प्ले देखते हैं, स्पीकर की मदद से वॉइस यूजर क्या करता है, सुनता है, एंड प्रिंटर की मदद से सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी यूजर क्या करता है, रिसीव करता है। स्टोरेज डिवाइसेस बेटा द डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा फॉर टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस। दो बेसिस पर डाटा स्टोर होता है, या तो मुस्तकिल तौर पर या आर्जी तौर पर हम क्या कर रहे होते हैं, डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। तो जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है इसमें डाटा परमानेंट बेसिस पर स्टोर होता है, और जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है इसमें डाटा एज अ टेम्परेरी बेसिस क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा है। मीन्स टू से कि आर्जी तौर पर डाटा कुछ टाइम के लिए, कुछ लिमिटेड टाइम तक क्या होता है, डाटा स्टोर हो जाता है।
एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास हार्ड डिस्क है, टेप डिस्क है एंड यूएसबी फ्लैशेस हैं। ये वो डिवाइसेस हैं जिनमें हम डाटा परमानेंट बेसिस पर क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये है बेटा आपका आज का लेक्चर। अगर इसमें आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझसे फ्रीली आस्क कर सकते हैं। थैंक यू।